आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शाजिया रिसार। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान से बीजेपी ने मिशन 2019 की शुरुआत कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी में राष्ट्रीय परिषद की दो दिवसीय बैठक का शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2019 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। शाह ने कहा कि ये चुनाव एक वैचारिक युद्ध का चुनाव है। इस बार दो विचारधाराएं एक दूसरे के सामने खड़ी होंगी। एनडीए अपने सहयोगी दलों के साथ विपक्षियों का सामना करेगी तो वही चुनाव मोदी वर्सेस ऑल पर होगा। साल 2019 में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अपने संबोधन में अमित शाह ने गठबंधन को ढकोसला बताया। उन्होंने कहा कि गठबंधन के पास न नेता है और न ही नीति है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी जैसा नेता नहीं है, इसलिए कांग्रेस और सहयोगी बौखलाए हुए हैं और उनके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है कि वे साल 2019 में मोदी को कैसे रोकेंगे। तो बीजेपी का मिशन 2019 कितना सफल रहेगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। इसी बीच सवाल उठते हैं कि आखिर क्या 2019 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और क्या 2019 का चुनाव मोदी बनाम ऑल के बीच होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि और भी कई तरह के सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। और आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए आखिर अमित शाह ने और भी क्या कुछ कहा। जो 2019 का चुनाव वैचारिक युद्ध का चुनाव, दो विचारधाराएं आमने सामने खड़ी। एक और तो हम 1950 से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अंत्योदय का सिद्धांत लेकर जो चले, गरीब कल्याण का मंत्र लेकर चले, वो विचारधारा के आधार पर एक बड़ा तबका एकत्रित आया है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के 35 दल एकजुट एक मुस्त होकर चुनाव के मैदान में खड़े, और दूसरी ओर जिनका कोई न नेता है न नीति है, स्वार्थ और सत्ता के लिए एकत्रित होने वाले लोगों का एक जमघट है, गठबंधन। ये दोनों विचारधारा के बीच में ये लड़ाई है, ये युद्ध है। और मित्रों, जब ये युद्ध के अंदर हम जाते हैं तब युद्ध का महत्व भी जानना चाहिए। आज न केवल भारत के अंदर, न केवल हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेता किसी और दल के साथ नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। मित्रों, कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही, भारतीय जनता पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास हो। गठबंधन, 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 क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं, एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है। मित्रों, जो जब मैं आपको कहता हूं, खुला अधिवेशन है, देशवासियों के सामने कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, एनडीए के साथियों के साथ सरकार बनाएंगे, तो उसका आधार है क्या मिला था 2014 में, क्या मिला था? ये अभी जो गठबंधन का नाम लेकर निकले हैं, एक ही परिवार ने, एक ही पार्टी ने 55 साल तक देश पर शासन किया। 55 साल कोई छोटा कालखंड नहीं होता है, और इतनी दिक्कतें भी नहीं होती थी उस वक्त। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक 55 साल तक एक परिवार का शासन रहा, कैसा देश हमें दिया था। उत्तर प्रदेश की विजय एक लंबे समय तक देश की राजनीति का निर्धारण करने वाली है, और वो लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार खड़े हैं। मित्रों, जब हम कहते हैं कि विजय का हमें विश्वास है, तो उसका आधार भी है। बीजेपी वर्सेस ऑल हुआ है, क्यों हुआ है? एक दूसरे का मुंह न देखने वाले,
एक दूसरे के साथ एक सोफे पर न बैठने वाले आज हाथ मिला मिलाकर उठा उठाकर क्यों घूम रहे? क्योंकि उनको मालूम है कि अकेले मोदी जी को हराना असंभव है, इसलिए वो इकट्ठा हुए। बाकी सारे लोग जो देखे वो, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं, ये हमारी शक्ति की, ये हमारी ताकत की स्वीकृति है, मोदी जी के ताकत की स्वीकृति। एक जमाना था कांग्रेस वर्सेस ऑल हुआ करता था, और आज हमारे लिए गौरव की बात है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल हुआ है। भारत की राजनीति का ध्रुव, उसका न्यूक्लियस भारतीय जनता। जी हाँ, तो आपने सुना कि अमित शाह का क्या कुछ कहना है, आज के दिन में क्या कुछ हुआ वो हमने आपको सुनवाया, किस तरीके से क्या कुछ अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा बीजेपी के। अब यहां पर जो सवाल खड़े होते हैं वो ये है कि क्या गठबंधन ढकोसला है? ये सवाल इंडिया न्यूज राजस्थान की ओर से खड़ा होता है। क्या 2019 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी? क्या 2019 का चुनाव मोदी बनाम ऑल के बीच होगा? ये अहम सवाल है जो कि हम आपके सामने भी रख रहे हैं, और इसी को लेकर के आज हम बहस करने वाले हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है इन सवालों का उतना, और इसी को लेकर के आज हमारी बड़ी बहस केंद्रित रहने वाली है। आपने सुना अमित शाह ने क्या कुछ कहा, इसको लेकर के ये सवाल हम खड़े कर रहे हैं। और अब रुख करेंगे अपने गेस्ट का, अपने मेहमानों का, आपसे तारुफ करवा देती हूं। मनीष पारेख हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बीजेपी से हैं, साथ ही साथ विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस लीडर हैं। राजेंद्र राज हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, और प्रताप राव हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी मनीष पारेख के पास जो कि बीजेपी के नेता है। सर, आप ही से जान लेते हैं कि आज की बैठक लोकसभा चुनावों से पहले कितनी अहम मानी जा रही है। निश्चित तौर पर आप देखिए, ये बात सही है कि बीजेपी में शाजिया ऐसा ही होता है कि यूनाइट बात कोई भी करे, लेकिन जो बीजेपी का कैडर है वो बीजेपी की ताकत है। चाहे गठबंधन की बात कोई भी करे, वो इकट्ठे होके इतने ताकतवर नहीं होते जितने बीजेपी के कार्यकर्ता अगर जुट के लगते हैं तो वो ताकतवर होते हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही है। लगातार कार्यक्रम चलते हैं, लगातार विस्तारक योजना होती है, लगातार बैठकें होती है, कार्य पद्धति है, प्रवास का होता है, कार्यक्रम होता है, बैठक होती है, ये सब नीति बनाने के लिए, काम करने के लिए कार्यक्रम होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए योजना होती है, योजना में सहभागिता होती है, सहभागिता में सामूहिकता होती है, सामूहिकता में अवसर देने की बात होती है। ये जो एक मैकेनिज्म है किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का, वो सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी में है। और ऐसे पूर्णकालिक कार्यकर्ता जिनका काम केवल संगठन जोड़ना होता है, ऐसे भी सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, जो घर बार नहीं जाते हैं, शादी नहीं करते हैं, लेकिन निरंतर तौर पर संगठन का काम करते हैं। जो संगठन मंत्री की कल्पना है वो भी यहां पर है। तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए चुनाव भी एक कार्यक्रम होता है, जीतना है ये हमारा मिशन होता है, और उसके मिशन जीतने के बाद कुछ पॉइंट प्रोग्राम है। अटल जी की सरकार बनी तो हमने तीन बड़े मेजर काम किए, वो भी बताने के हैं, और मोदी जी बने तो तीन बड़े काम हो गए हैं, अब अगली सरकार में तीन बड़े काम और मिशन है। इस तरह से हम मिशनरीज के रूप में जाने जाते हैं, राजनीतिक मिशनरी के रूप में। तो शाजिया, बड़ी बात यह है कि इसके लिए चूंकि चुनाव लड़ना है 3 महीने बाद, और उसके लिए पूरी भारत की भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, और माननीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन उनको मिला है। उसका जो मूल मंत्र है वो यही है कि हमको उन लोगों से लड़ाई लड़नी है जिनकी कोई नीति नहीं है और जिनका कोई नेता नहीं है। चलिए, कांग्रेस लीडर हमारे साथ विक्रम सिंह भी जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। विक्रम जी, 2019 का शंखनाद एक तरह से बीजेपी की ओर से कर दिया गया है, आपने देखा किस तरीके से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने इनकी तैयारियां देखी है, जितना भी वीडियो क्लिपिंग आपने दिखाई है जी, उसमें बीजेपी का खुद का तो जिक्र है कम और कांग्रेस पार्टी का ज्यादा है। आपको आपको लगता है कि ये भाजपा का स्वयं का है? स्वयं का होता है तो आदमी अपनी बात करता है, अपने संगठन की, अपने विजन की, अपनी जो सरकार चल रही है उसकी, उसके हालात की, उसके कार्यक्रमों की बात करता है, और आगे जो ये सरकार लाने की उम्मीद करते हैं जो जो कि है नहीं, इनको खुद को पता है कि हम पस्त होने वाले हैं। तो एक तरह से राग अलाप रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का राग अलापा जा रहा है और वो दिख रहा है। आज पूरे दिन भर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को कोसने के अलावा मेरे हिसाब से कोई काम नहीं किया। शायद कल इस पर
अपने संगठन पर ध्यान देंगे तो ज्यादा सही रहेगा ताकि चुनाव में राजेंद्र राज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर अभी रिसेंटली आपने चुनाव को रिजल्ट देखे हैं उनसे दुख से भरे हुए हैं। आती हूं मैं आपके पास सर, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो राजनीतिक पार्टियां जो है वो चलता ही रहता है उसमें, लेकिन आप इस पूरी तस्वीर को किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से अभी हाल के जो 3 विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा है, एक पक्ष यह है। दूसरा पक्ष यह है कि इसी के कारण कांग्रेस में जान आई है और राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में अब जाना लगा है कि थोड़ा सा परिपक्व होने लगे हैं। तो कांग्रेस में जान आई है इन 3 चुनावों के कारण। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए इसमें से 3 में जो बड़े प्रदेश हैं जिनमें 65 लोकसभा की सीटें आती हैं और अभी तक इनके पास मात्र कांग्रेस के पास 3 सीटें थी, 62 लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास थी। तो इन 3 राज्यों में जो कांग्रेस की जो जीत हुई है उससे उत्साह है और उत्साह का नतीजा है। और इधर कांग्रेस बीजेपी को देखा जाए तो उनकी जो हार हुई है वो निश्चित रूप से कहे वाली है कि हम कोई समीक्षा नहीं करते, 2019 का जो लोकसभा चुनाव है हमें उसकी जीत की तैयारी करनी है। लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर उनको भी पता है कि कहाँ हमसे गलती हुई है, कहाँ हमसे चूक हुई है और हम कैसे इस चीज को लड़ें। और ये जो एक मैसेज दिया जा रहा है आज की जो पूरा का पूरा जो भाषण था, जो गठबंधन को लेकर के, महागठबंधन को लेकर के जो ढकोसला बताया गया है, वो कहीं ना कहीं एक लगता है कि चुभ रहा है कांटा, वो जो एक छवि बन रही है उससे जनता में एक मैसेज जा रहा है, उस मैसेज को रोकने की, उसको काट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक बड़ी सफलता यह है कि जो बड़े राजनीतिक दलों में और प्रदेश है वहां अभी कांग्रेस उतनी स्थिति में नहीं है, उसके पास कोई बहुत बड़े राजनीतिक दल उसको साथ नहीं जुड़े हैं। जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जिक्र आपने किया, वहां निश्चित रूप से कांग्रेस का वोट परसेंट ही 5 और 6% है और वहां जो 2 बड़े राजनीतिक दल है सपा बीएसपी उन्होंने उसको अभी साथ नहीं दिया है और मात्र 2 सीट देने की बात कर रहे हैं माँ बेटे के लिए। तो ये एक निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए अपनी है तो सही, लेकिन बीजेपी को अंदर ही अंदर ये लग रहा है कि इस गठबंधन का कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। उस डैमेज कंट्रोल के लिए अभी से तैयारी की जा रही है और अपने कार्यकर्ताओं में बूस्टअप किया जा रहा है कि इससे ज्यादा चिंतित मत होइएगा, इनमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है, ये कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश है। चलिए हमारे साथ एक एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रताप राव भी जुड़े हुए हैं। सर आपके पास आना चाहेंगे। सर 5 राज्यों में हार के बाद से, खास करके वो 3 राज्य जो कि खुद बीजेपी के पास थे, उनमें भी हार के बाद से आप जो जिस तरीके से बीजेपी 2019 की तैयारियां कर रही है, खास करके आज के दिन की बात की जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है, किस तरीके से आप देखते हैं? हाँ निशा जी, बिल्कुल बात सही है कि जैसे ही 3 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए उसके साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगभग सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दिए, क्योंकि बीजेपी का आज हम राष्ट्रीय अधिवेशन है इसलिए आज बीजेपी की चर्चा हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पे 2-3 दिन पहले 9 तारीख को राजस्थान में बड़ी किसान रैली करके कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने यूपी में घोषणा की है कि कल वो मायावती के साथ महागठबंधन की, उनके गठबंधन की घोषणा करने जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर देश में चुनावी माहौल हो चुका है और चुनावी माहौल में जिस इस तरह की बातें अब आने लगेंगी, एक दल दूसरे दल के ऊपर हमले करना शुरू करेगा, अपनी मजबूती की बातें करने लगेगा और एक दूसरे के खिलाफ बातें भी आएंगी और सब अपने अपने दलों को आगे बताएंगे, अपने अपने नेता को आगे बताएंगे। ये सारी बातें अब आने वाले 3-4-6 महीने तक, जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, ये बातें चलने वाली हैं निश्चित तौर पर। अब देखने की बात यह है कि निश्चित तौर पे ये जो 2019 का चुनाव है और ज्यादा टफ इसलिए भी हो गया है क्योंकि जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही थी, लेकिन पिछले जो 3 विशेषकर 3 राज्यों के चुनाव में जैसा राजेंद्र जी ने भी कहा कि उनके हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी में भी एक चिंता है और निश्चित तौर पे चिंता होनी भी चाहिए और इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो एक झटका लगा है पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनको जोश दिलाने के लिए कई तरह की बातें कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पार्टी ने करेक्शन भी शुरू किया है कि सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लंबे समय से कहा जा रहा था कि यहां एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन अब चुनाव परिणाम आ गया है तो 3 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों को जिस तरह से उन्हें अपने राज्यों से हटाकर केंद्र में उनको एक
केवल एक दिखाने वाले पोस्ट उपाध्यक्ष पद पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है, तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि इन नेताओं को अब, क्योंकि एक प्रकार से मुझे जो लगता है कि इन नेताओं को उनकी जगह पहुंचा दिया गया है कि राज्य में अब नया नेतृत्व उभरे, राज्य में पार्टियां जो इन तीनों राज्यों में नए सिरे से तैयारियां शुरू करें, जो नए जो पीढ़ी के नेता हैं वो आगे आकर पार्टी को जीत दिलाने के लिए काम करें। मुझे लगता है कि इस लिहाज से पार्टी ने अपने काम काज शुरू कर दिए हैं। ये सारी बातें क्योंकि शाजिया अब हम एक के बाद एक, जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, एक के बाद एक हमले, एक के बाद एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें सुनेंगे। और आज जो भाषण था कुल मिलाकर अमित शाह का, वो भी यही था कि अपने कार्यकर्ताओं को जोश दिलाया जाए और साथ में कांग्रेस के ऊपर हमला बोला जाए, क्योंकि कांग्रेस को मानते हैं कि विशेषकर हिंदी हार्टलैंड में जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, इसलिए उनको उस हार्टलैंड को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के खिलाफ ही हमला करने के लिए की जरूरत थी, वो उन्होंने किया है शाजिया जी। चलिए मनीष पारिक जी के पास में जाना चाहूंगी। मनीष जी, आज भी जोश और जज्बा कार्यकर्ताओं में भरा गया, कल भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, लेकिन फिर भी तीन राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने आप को प्रूफ किया है, उसके बाद से क्या कांग्रेस को इतना कम आपना आंकना आपकी तरफ से ठीक होगा क्या? नहीं शादिया, बात यह भी है कि एक एक करके 21 राज्यों से कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी पूरे 3-4 साल में, आपने देखा है। तो ये तो अल्टीमेटली इट हैपेंस समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लगातार अपने विजयी अभियान को जारी नहीं रख सकते, केवल इसलिए कि आप एक दल विशेष से हैं। वहाँ भी बहुत सारे रीजन होते हैं, कहीं पर 15 साल से सरकार है, कहीं पर लगातार आप देख रहे हैं कि 18-20 साल तक सरकार है, तो ये थोड़ा होता ही है। और जो परिवर्तन की आकांक्षा एक मन में रहती है, उससे कुछ बेटर हो जाएगा ऐसा सोचकर, इसको एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है पॉलिटिकल फील्ड में, उसके कारण भी कुछ पुराने चेहरे देखकर किसी को बोरियत होने लगती है और वो नए को चुन लेता है। इसके पीछे कोई इलॉजिकल बात नहीं है, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, ये तर्कशास्त्र में भी इसको मान्यता मिली हुई है। तो अल्टीमेटली ये जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है, इसके कारण ऐसा होता है। फिर भी शाजिया मैं दो बात बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई तो 22 सीट उनको आई थी, लेकिन बीजेपी को 73 सीट आई है। इसका मतलब जो नीचे का नेटवर्क है बीजेपी का, वो बदस्तूर कायम है और उसमें कोई जद्दोजहद ऐसी नहीं हो रही है, उसको पूरी शिद्दत से काम हो रहा है वहां। एक दूसरी बात, जब हम 2008 में चुनाव हार गए थे तो भी 79 सीट हमारी आई थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारा हम चुनाव हारते हैं तो सूपड़ा साफ होता है कांग्रेस की जैसे। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है उसको तो मानना ही पड़ेगा, जो नहीं भी मानेगा तो ये बात तो सही है कि 73 विधायक जहां बैठेंगे वो ये कहा जाए कि इनका सूपड़ा साफ हो गया तो कोई नहीं मानेगा। तो बीजेपी ने अपनी वर्थ तो साबित करी है। अब कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट पर कांग्रेस ने बहुत इंटेलिजेंटली जाति की राजनीति करी। आपने देखा पहले हार्दिक पटेल और ये सब जो गुजरात में उन्होंने किया था वो उनको सफल लगा थोड़ा, तो यहाँ भी उन्होंने किया और वो गुजर को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और फिर आपने देखा कैसे रास्ते रोके गए, गाड़ियों की हवा निकालने की कोशिश हुई, और दिल्ली में ही मुख्यमंत्री तय हो रहा है कि अभी, और उसके बाद मंत्री बन रहे हैं, उसके बाद विभाग तय हो रहे हैं। तो ये सब कुछ ऐसा था कि ये पूरा सोचा समझा था, और इसको जातिवाद के नाम पर गुजरों के वोट इधर ले लेंगे तो मीणा उधर आ जाएंगे, ये इधर होगा, राजपूत इनसे नाराज, जैसे कि इस तरह का जो ये जाल बुना गया था वो थोड़ा इफेक्टिव हुआ, क्योंकि कभी कभी मानवीय संवेदना इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आप ये 12-13 सीटें और बीजेपी की आ जाती तो सरकार इधर बन जाती और ये 80 पे आ जाते, इस तथ्य को भी नहीं भुलाया जा सकता है। तो जो लोकसभा पर टारगेट करने की बात है वो यही है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ टेक्निकल रीजन से हम चुनाव हार गए हैं, लेकिन जो बड़ा मिशन है 2019 का उसको रेगुलर रखना है, उसमें रेगुलरिटी रहनी चाहिए, उसमें इफेक्टिविटी रहनी चाहिए, इसलिए ये बात हुई है। विक्रम जी सुन रहे हैं ना, क्या कुछ कहा, क्या कुछ कहा आपने, सुना ना मनीष पारिक जी ने कि प्रदेश में सिचुएशन खराब हुई, सुन लिया मैडम, सुन लिया, सूपड़ा साफ हो गया, ये शब्द सूपड़ा साफ, ये यही काम में लेते हैं हम लोग, इस तरह के शब्द काम में नहीं लेते। दूसरी बात है कि आप भाजपा को जो सत्ता से बाहर किया है जनता ने किया है, जनता के जो मत है उनका कम से कम सम्मान करना सीखे,
और उसको स्वीकार करें सहजता से। आज आप देख रहे हैं अमित शाह जी का बयान किस तरह का फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है, सिर्फ कांग्रेस को कोसने की। अरे सम्मेलन आपकी पार्टी का है, कोस आप कांग्रेस को रहे हो, ये वो क्या रहा है? आप अंदर से क्यों इतने परेशान हैं? आपने अपने आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए ना, उन पे सुधार करिए और जनता को नया विजन देने की कोशिश करिए ताकि लोग आपकी बातों पे ध्यान दें। आप कांग्रेस को आप मैं एक शब्द पे आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। शाह साहब ने कहा है कि मार बेटे दोनों बेल पे हैं। अरे मार बेटे बेल पे तो है ना, आपकी तरह 18 महीने जेल में तो नहीं रहे आप? किस मुंह से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? चलिए ठीक है विक्रम जी, आप अपनी तैयारी के बारे में बता दीजिए। एक सेकंड, किस तरह की जेल है? जेल जेल होती है, अपराधी अपराधी होता है। आज 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 बाहर आने से वो दूध के धुले हुए नहीं होंगे। किस तरह के आरोप लगा रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप आरोप लगने से साबित नहीं हो जाता है? किस तरह का? अरे वाह क्या बात कर रहे हैं, 2500 लोग मरे हैं, उनको मारने का दोषी नहीं समझते? किस तरह की बात कर रहे हैं? वो तो उनका पक्ष लेने आते हैं। मनीष जी विषय की गंभीरता तो समझ के बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? पूरा देश सुन रहा है, कर दिया 2500 लोगों को बाहर भरने का दबाव में भरने को। मनीष जी विक्रम जी इससे पहले भी भाषा को लेकर कईयों बार सवाल उठे लेकिन आपको करने नहीं है। उन पे कोई मुकदमा नहीं है, समझने की जरूरत है। आप राजनेताओं को क्या लेकर आए हैं? अभी झूठा आरोप है, आप देखिएगा साबित हो जाएगा झूठा आरोप है। बोल रहे हैं शायद कि आप लोग टीवी पर बैठे हैं, टेलीविजन पर बैठे हैं और दुनिया आपको देख रही है, तो कम से कम आप ही अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। पूरा देश सुन रहा है, 2500 लोगों को विक्रम जी मनीष जी आपके मंत्रियों की लिस्ट बताऊं क्या मैं? किस तरह की बातें कर रहे हैं? भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, वो बड़ी हो चुके हैं। आप अपडेट करिए अपनी। चलिए ठीक है मनीष जी, एक सेकंड सवाल मैं कर रही हूँ विक्रम जी से। विक्रम जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? विक्रम जी आवाज पहुंच पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं ना विक्रम जी? कन्नी मोदी को बरी कर दिया गया, अपडेट करिए आप अपनी जानकारी को, नए आरोप ढूंढिए, पुराने आरोपों को छोड़िए। ऐसे तो कह नहीं सकते आप। और जितने भ्रष्टाचार आपने कर दिए हैं और जिन लोगों आपका भ्रष्टाचार तो भी जनता देख रही है। मनीष जी एक सेकंड भ्रष्टाचार नहीं है, उन्होंने पैसे लिए और दूसरों के भ्रष्टाचार है। आप तो मानते ही नहीं ना, आप तो मानते नहीं किसी तरह की बात को भ्रष्टाचार मानते नहीं। भाजपा की तो गंगा है, उसमें डुबकी लगाई और शुद्ध हो गए, भ्रष्टाचार मानते नहीं है, जनता की सुनते नहीं है। चलिए ठीक है, दोनों ही तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो हमेशा ही जारी रहेगा। लेकिन सवाल जो खड़े कर रही हूं मैं भी और इंडिया न्यूज राजस्थान भी, उसके जवाब से आप लोग जरा बचते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल के जवाब मैं आपसे जरूर लूंगी लेकिन यहां फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और आज हुई बीजेपी की दिल्ली की बैठक को लेकर के बड़ी बहस हमारी केंद्रित है, उसी पर सवाल और जवाब का सिलसिला भी जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। मनीष पारिक नेता बीजेपी है, विक्रम सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, राजेंद्र राज जो की वरिष्ठ पत्रकार है और साथ ही साथ प्रताप राव एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे जुड़े हुए हैं। प्रताप सर मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सर मोदी ने गठबंधन को आज ढकोसला करार दे दिया, जी हाँ पीएम मोदी के अल्फाज रहे, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? हाँ शाह जी देखिये, निश्चित तौर पे इससे एक बात तो साफ तौर पे जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी अब दूसरे दलों को लेकर, दूसरे गठबंधनों को लेकर चिंतित है। निश्चित तौर पे एक बात तो साफ तौर पे जाती है जो विक्रम सिंह जी ने भी कही कि जब पार्टी की राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और उसमें जब दूसरे दलों की चिंता हो रही है, उनके गठबंधन की और राजनीति की चिंता हो रही है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल हैं उनके गठबंधनों को लेकर बिल्कुल छोड़ नहीं रही है, उसको लेकर पूरी तरह से स्ट्रेटेजी बना रही है, पूरी तरह से उसको लेकर चिंतित है, पूरी तरह से उसको लेकर विचार कर रही है। इससे ये बात साफ तौर पर जाहिर होती है। देखिए ढकोसले की बात जो है वो जब राजनीति होती है तो इस तरह के शब्द बोले जाते हैं क्योंकि सामने वालों पर हमला करने की एक तरीके होते हैं। राजनीति में इस तरह की बात चलती है क्योंकि हर दल हर नेता इस तरह की बातें ही आने वाले दिनों में सुनाई देंगी। इसी तरह के एक दूसरे के खिलाफ जो शब्दों के इस्तेमाल की बातें हमें सुनाई देंगी आने वाले चुनावों के दौरान, यही सब होगा। एक दूसरे को कमजोर बताने की, एक दूसरे को ढकोसला बताने की, एक दूसरे को बिल्कुल अस्तित्वहीन बताने की जो बातें हैं वो होंगी। ये एक राजनीतिक अंग है जहां तक। लेकिन ये बात निश्चित तौर पे सही है कि देखिए शाजिया, जहां तक गठबंधन की बात है,
एक जो क्वेश्चन मार्क जरूर जो खड़ा किया है वो निश्चित तौर पे एक सोचने वाला भी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से यूपी में एक गठबंधन की महागठबंधन की बात थी जिसमें ऐसा माना जा रहा था कि सपा बसपा और कांग्रेस शामिल होंगी, लेकिन वहां गठबंधन में कांग्रेस को बिल्कुल छोड़ दिया गया है और कहा गया है कि आपके लिए दो सीटें हैं, उसमें लड़ना चाहे तो लड़ें नहीं तो नहीं लड़ें। यानी कि वहां कांग्रेस के साथ जो महागठबंधन की जो एक कल्पना थी वहां खत्म हो गई है। बिहार जो दूसरा एक महागठबंधन का एक बहुत बड़ा राज्य है, वहां निश्चित तौर पे बात शुरू हुई है, तेजस्वी के साथ बात शुरू की है, लेकिन वहां ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहां भी गठबंधन के सीटों के शेयर्स को लेकर काफी आपस में जो टकराव है और खींचतान है। तीसरा जो गठबंधन की बात है, जो आज बड़ी खबर आ भी रही है कि कर्नाटक में जिस तरह से जेडीएस के साथ गठबंधन होना है, वहां दोनों ही पार्टियों में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर अभी तकरार है। केवल एक महाराष्ट्र को कह सकते हैं जहां एनसीपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर एक और पहुंचे। तो देखिए ये बात तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसलिए कही जा रही है कि जो इस महागठबंधन में शामिल होने की जो नेता कोशिश कर रहे हैं या जो दल कोशिश कर रहे हैं उनको एक उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए। पर मेरा मानना है कि जब अमित शाह इस बात को बोल रहे हैं, अपने भाषण में इस बात को बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन को लेकर गंभीर है, चिंतित है, तभी इसको बार बार दोहरा रही है। क्योंकि यूपी का गठबंधन हो, चाहे बिहार का गठबंधन हो, चाहे महाराष्ट्र का गठबंधन हो, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होगा और निश्चित तौर पर उससे मुकाबले की तैयारी के लिए पार्टी को अलग रणनीति बनानी होगी। इसलिए ये सारी बातें जो है आज अमित शाह ने यहां बोली है। बिल्कुल मनीष पारिख जी, यहां बात हो गई गठबंधन की, पीएम मोदी ने ढकोसला करार दे दिया, साथ ही साथ उसके बाद से कई और बातें हो गई। अमित शाह ने 2019 में बोल दिया कि हम जीतेंगे, लेकिन सवाल फिर आपसे आप ये है कि विकास के मुद्दे की बात आखिर कब होगी? क्या आपको लगता है कि जनता संतुष्ट हो चुकी है सरकार से? नहीं, मैंने कहा शादिया इस बारे में जो 5 करोड़ शौचालय बने वो बन गए, वो तो बात बताई है। बीजेपी ने जनधन खाते खुले 28 करोड़, तो वो पहली बार खुले। जो करोड़ों बात हुई थी, छत मिली है, कोई बिजली के बिना गांव नहीं रहा है, सड़कें इतनी बन गई है, जो चूल्हे गैस के मिल गए हैं, ये सब विकास ही है। लेकिन आप ये देखोगे कि विपक्षी दल का काम होता है कि वो क्वेश्चन करें कि सड़कें नहीं बनी है या ये खराब बन गई है या लाइट नहीं आ रही है या पानी की कमी है। वो तो बात वो उनको करना होता है ना शाजिया, बात ये है कि वो नहीं करते हैं। वो ये करते हैं, गुजरात में जब विपक्षी दल थे वो और पूरी शिद्दत से काम कर रहे थे वहां पे, तो भी उन्होंने यही बनाया, जनेऊ पहन के जाएंगे और ये करेंगे, वही कर रहे थे। और इसी तरह से आपने देखा कितनी तरीके से विपक्षी दल तो अपना काम पूरा करते हैं। विपक्षी दल तो राफेल के मुद्दे को लेकर बार बार आपसे सवाल करते हैं, बताइए विकास की बात ही नहीं करते हैं। एक बार कोई लाइट की बात नहीं करी उन्होंने, क्योंकि वो कंप्लीट थी। इसका मतलब ये है कि विकास के मामले में वो नहीं पछाड़ पाते थे, तो फिर वो मानसरोवर जाऊंगा और दर्शन करूंगा, सपना आया। विपक्षी दलों ने बात उठाई है और आपको जनता ने पछाड़ दिया है विकास की बात पे। जनता ने आपको फटका दे दिया है, जनता ने आपको देख लिया की बनाई बीजेपी 5.5 साल खाली सड़क नहीं बनी, जुमलेबाजी, खाली जनता को परेशान करने वाली बातें सब देख ली है जनता ने। आपका विकास कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई भी विकास नहीं किया, लोगों ने जनता से देख लिया और जनता ने किस तरह के नतीजे भुगताए आप देख रहे हैं। विपक्षी दल तो दे ही रहे हैं, जनता ने भी जवाब दे दिया, जनता ने ठुकरा के इनके विकास को इनको आईना दिखा दिया। इन्होंने कहा मेरा गोत्र दत्तात्रेय है, ये सब बातें उठा कौन रहा है? अरे हमने उठाई क्या ये सब बातें? धर्म और जाति की बातें पार्टी के पास इसी तरह की बातें है। मंदिर जाति तरह की विक्रम सिंह जी शाजा बात शाजा मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ा मुद्दा जो ये है कि आज जब अमित शाह ने कहा कि गठबंधन ढकोसला है, तो बड़ा एक कांग्रेस के सामने विक्रम सिंह जी मेरा आपसे सवाल है जी कि अमित शाह ने एक मुद्दा उठाया कि महागठबंधन ढकोसला है, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनावों से पहले ये गठबंधन हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह की बातें आई हैं, जो मैंने अभी आपको कही भी कि यूपी में गठबंधन से कांग्रेस को अलग कर दिया गया है और कुछ राज्यों में कहीं ना कहीं परेशानियां चल रही है, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए विपक्षी दल एक आकर महागठबंधन बना पाएंगे और मुकाबला महागठबंधन का हो पाएगा? क्या लगता है आपको ऐसी संभावनाएं?
प्रतापराव साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात कहता हूं कि एनडीए शब्द कहां है? भाजपा और यूपीए वर्सेज है क्या चुनाव? जो पार्टी खुद गठबंधन में चल रही है और वो उसके नेता इतने बड़प्पन से बातें कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कहते हुए। कम से कम अपने गिरेबान में तो जाके देखे, उन्होंने अपने गठबंधन में पार्टियां नहीं ले रखी हैं और दूसरे गठबंधनों को कोस रहे हैं। भाजपा ये पहले ये कहना शुरू करें कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए आप, इस बात को बुलवाइए उनसे। कैसी बातें कर रही है जो पार्टी खुद रंजे, जो पार्टी खुद रंजे, विक्रम जी, जो पार्टी खुद गठबंधनों से चुनाव लड़ रही है, विक्रम जी गठबंधन क्या वो पूरा कर रही है? नहीं नहीं विक्रम जी, अमित शाह ने कहा भी कि हम 35 दलों का एक गठबंधन है, उन्होंने कहा भी, उन्होंने कहा है, लेकिन मोदी वर्सेज गठबंधन नहीं। देखिए देखिए मेरा मोदी वर्सेज गठबंधन मेरा एक भाजपा भी नहीं बोला है, वो भाजपा भी बोल रहा है सामने, अमित शाह तो ढकोसला कह रहे हैं, लेकिन क्या मेरा एक सवाल है कि क्या कांग्रेस का इन विपक्षी दलों से गठबंधन हो पाएगा अलग अलग राज्यों में जिस तरह की सोच रहे हैं? होगा क्यों नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। देखिए जिस तरह से यूपी में अलग निकाल दिया गया है, कल महागठबंधन की घोषणा होने जा रही है, वहां कांग्रेस नहीं होगी, क्या लगता है किस तरह की स्थितियां होंगी? आपने देखा होगा हमारे बड़े नेताओं ने, नेतृत्व ने भी और दूसरे दलों के नेताओं ने भी बोला है कि हर राज्य में अलग परिस्थिति के हिसाब से गठबंधन होगा, और आप देखेंगे कई प्री पोल अलायंस होंगे तो कई आफ्टर पोल अलायंस भी होंगे। आप देखिएगा सब भाजपा को सत्ता में आने से जनता रोक रही है, गठबंधन मिलकर रोकेंगे, गठबंधन जनता का साथ देंगे, जनता राजन जी जनता रोक रही है। राजन जी बड़ा सवाल इनके विकास के, बड़ा सवाल ये है कि राजन जी एजेंडे में जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं चुनाव, क्योंकि फरवरी के आखिर सप्ताह में या मार्च के फर्स्ट वीक में कभी भी जो है चुनाव की घोषणा हो सकती है, काफी कम समय बचा है, ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि यूपी में कल घोषणा होने जा रही है महागठबंधन की, सपा और बसपा की गठबंधन की घोषणा होने जा रही है, ऐसे में कांग्रेस है नहीं वहां, क्या लगता है कि कांग्रेस एक जो महागठबंधन का एक सपना जो पिछले 6-7 महीने से कर्नाटक के चुनाव के बाद चल रहा था, क्या वो होने की संभावना नजर आ रही है आपको? नहीं, कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है और वो छोटे छोटे दलों को ले रही है। यह सही बात कही आपने कि उत्तर प्रदेश का जो कल गठबंधन होने वाला है या कल परसों में जो घोषणा हो जाएगी उसकी, और उन्होंने कर भी दिया एक तरह से 37-37 सीटें बांट करके, और आरजेडी को 2-3 राष्ट्रीय लोकदल जो उनका है उसको दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस छोटे छोटे दलों को लेकर के और छोटे स्टेटों में लेके आ रही है, तो बीजेपी का हमलावर होना सही है, वो भी सही है, कांग्रेस का अपनी तरफ से रणनीति की सही है कि हम इकट्ठे हो रहे हैं और आपके पास तो खुद ही एनडीए के रूप में गठन में हम यूपी के रूप में, वो सही बात है, लेकिन मुद्दा जो आपका सही बात है कि कांग्रेस उस तरह से उतनी मजबूती में नहीं है अभी जितनी मजबूती में एनडीए है। हालांकि वो सही बात कह रहे हैं कि बीजेपी उसमें बहुत बड़े ताकत में है, इसलिए वो मोदी वर्सेज कह रहे हैं और उससे ही उनको लाभ मिल रहा है, बीजेपी को लाभ भी इसी से मिल रहा है कि चुनाव को पूरी की पूरी दो धड़ों में इस तरह से बांट दे कि मोदी वर्सेज असद, क्योंकि 1971 का हमको याद आ रहा है, तब इंदिरा गांधी ने भी यही एक तरह से आगे चली थी और एक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया था कि इंदिरा गांधी वर्सेज अदर्स, और इस बात का उसको लाभ मिला, जनता को ऐसा नेता लगभग पसंद आता है। मनीष जी बड़ा आपसे सवाल है कि अमित शाह कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का महागठबंधन है वो ढकोसला है, लेकिन क्या एनडीए खुद ढकोसला नजर नहीं आता? क्योंकि जिन दलों को साथ लेके चले थे, शिवसेना से लेकर असम गण परिषद लेटेस्ट उदाहरण है, एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा साथ छोड़ते हैं, कभी कोई अपना दल आंखें दिखा रहा है, कभी और कोई, इस तरह से एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा नहीं है कि एनडीए भी कहीं ना कहीं एक ढकोसला गठबंधन की ओर बढ़ता जा रहा है? नहीं, दो बातें ये है प्रताप जी, आप समझते हैं भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ में है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये लोगों को ऐसे लगता है कि जब ये अपने पांव फैलाते हैं तो दूसरे दलों को समाप्त कर देते हैं। अल्टीमेटली इस बात की तो ममता बनर्जी ने जब बात करी थी तो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर वो समाप्त हो रही थी, इसलिए उन्हें अपना अस्तित्व अलग कर लिया। नायडू भी इसी तरह से पेशोपेश में है, आपने देखा उड़ीसा में भी जो है पटनायक वो अलग तरह से बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है, मतलब भारतीय जनता पार्टी तो विचारधारा आधारित है, और जो इसमें कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी के खिलाफ काम कर रही थी आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए, उस जमाने से साथ हुए थे, तब लालू और ये भी साथ थे, लेकिन जब इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे तब नहीं। देखिए मनीष जी बड़ा सवाल है कि आप इतने सारे दलों को लेकर 2014 में सत्ता में आए थे, लेकिन आज उनमें से कई लोग साथ छोड़ गए, बड़े दल साथ छोड़ गए जिनका लंबा साथ था, तो क्या लगता नहीं है कि गठबंधन के नाम पर केवल बीजेपी रह गई है एनडीए में? अब नहीं, अटल जी के टाइम पे तो प्रताप जी 16 नहीं, अभी 2014 में 3 लोग मेन थे और वो तीनों भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे वो दूर हों,
लेकिन उनके अपने व्यक्तिगत क्षेत्रीय हित हैं जिसके कारण उनको लगता है, तो बीजेपी ने उनको उसमें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी है कि ताकि वो उनको दिक्कत। विक्रम जी, विक्रम जी, बड़ा सवाल ये है कि देखिए यूपी, विक्रम जी यूपी की तो बात कल सामने साफ हो ही जाएगी। बीजू पटनायक ने भी साथ आने से मना कर दिया है, ममता बनर्जी साथ नहीं लड़ना चाह रही है चुनाव, और जेडीएस जो कि जिसके साथ कर्नाटक में सरकार है उनके भी विधायकों की आज बात आई कि उन्होंने कहा है कि कहीं भी कांग्रेस से दबे नहीं और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। क्या लगता नहीं है कि जो एक सपना था कि बीजेपी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक महागठबंधन बनाकर इस बार परास्त किया जाए, कहीं ना कहीं उसको कहीं पलीता लग रहा है? आज अब कौन सा राज्य बचा है जहां कांग्रेस महागठबंधन को आगे ले जाएगी? कांग्रेस कई राज्यों में तो स्वयं ही मजबूत स्थिति में अकेले लड़ेगी, आप देख रहे हैं। जहां दूसरा आप देखिए कर्नाटक में भी, आप जो जिस तरह की बात है वो एक बहुत प्राइमरी स्टेज पर इस तरह की बात है। आप देखिएगा जो साथ सत्ता शेयर कर रहे हैं वो के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। दूसरी बात महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में बिल्कुल आराम से और शांति से चुनाव होगा आप देखिएगा। और अभी जो रिसेंटली तीन चुनाव हुए हैं तीनों राज्यों में, वहां कांग्रेस बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है, वहां उसको जरूरत नहीं है। विक्रम जी यही बड़ा सवाल है कि देखिए आप बता रहे हैं कि जहां कांग्रेस कमजोर है वहां तो हम गठबंधन करेंगे, लेकिन इन तीन राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप मजबूत हैं, तो यहां भी गठबंधन करेंगे? किसी दूसरे दल को आप जगह देंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या लगता है आप? ये सब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और आने वाले दो चार दिन में ये स्थिति जो है, क्योंकि अभी शुरुआत हो चुकी है, अभी कोई फैसला भी नहीं हुआ है। क्या राजेंद्र जी बड़ा सवाल यही उठता है क्योंकि जब पिछली बार जब विधानसभा चुनाव थे तो मायावती और अखिलेश ने यही कांग्रेस पे आरोप लगाया था, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां गठबंधन की बात नहीं करती है, जहां कमजोर है वहां हमारा साथ लेती है, इसलिए उन्होंने अपना अलग ही गठबंधन बना दिया कांग्रेस को अलग हटा के। क्या ये गठबंधन के लिए सबसे बड़ा एक ऑब्स्टिकल नहीं है कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां दूसरे दलों को साथ लेने की कोशिश नहीं करती, इसके कारण ये महागठबंधन की जो एक कल्पना है वो बनने से पहले ही खत्म हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल राव साहब, आपने बिल्कुल साफ बात कही। मुद्दा बात यह कि कांग्रेस अभी तक अपने उस अहम को छोड़ नहीं पाई है कि हम सत्तारूढ़ रहे हैं, लंबे समय तक हमने इस देश पर राज किया है और जनता हमको कहीं ना कहीं चाहती है, ये उनके मन में एक बहम है और इस बहम के कारण ही वो इस जगह ध्यान नहीं देना चाहते। अभी विधानसभा के चुनावों में भी आपने देखा कि उन्होंने बीएसपी को कोई जगह नहीं दी, इसीलिए उत्तर प्रदेश में ना एसपी को जगह दी इन तीनों स्टेटों में, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने भी इनको छटकार दिया और इसी बात का एक तरह से लेने का देना उनका जवाब दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कोई जगह नहीं दी क्योंकि उत्तर प्रदेश जब आप जिन स्टेटों में आप मजबूत हो वहां आप उनको कोई साथ नहीं दे रहे हो, तो जहां वो मजबूत है वो आपको वहां क्यों सपोर्ट देंगे? कांग्रेस की स्थिति बड़ी वही है कि अंदर से वो बिल्कुल कमजोर हो गए हैं लेकिन फिर भी वो दिखावा कर रहे हैं कि नहीं हम ताकतवर हैं, हम मजबूत हैं और पूरे देश में हमारी एक स्थिति है। ये सही है कि पूरे देश में उनकी एक स्थिति है, चाहे उत्तर प्रदेश में जैसे 5-6% का वोट परसेंटेज है, हर जगह है। आज की तारीख में जो आपने बात कही, इनके पास बड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी का हमलावर होना सही है और इनकी फूंक निकाल रहे हैं कांग्रेस की ये कहकर के आपका का जो गठबंधन है वो ढकोसला है, क्योंकि एक तो बड़ा सवाल है। आज दो विरोधाभासी बातें अमित शाह ने अपने भाषण में कही, एक और कहा कि आने वाले चुनाव में विचारधारा की लड़ाई है, दो विचारधाराएं हैं, और एक और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वर्सेस अदर्स है। क्या ये व्यक्ति की लड़ाई है या विचारधारा की लड़ाई है? क्योंकि जनता समझ नहीं पा रही है, क्योंकि दो बातें एक साथ उन्होंने एक भाषण में कही, अगर ये व्यक्ति की लड़ाई है तो विचारधारा की लड़ाई कैसे, अगर विचारधारा की लड़ाई है तो व्यक्ति क्यों? ये एक बड़ा सवाल उठता है प्रताप जी इसमें, तो नेता तो मुखिया उसको होना ही पड़ेगा। आप देखेंगे कि लगता एक जैसा है कि ये कर रहे हैं, सेना की जो टुकड़ी परेड करती है तो एक कदम लगता है एक साथ उठ रहे हैं, लेकिन उसमें पूरी सैनिक की टुकड़ी होती है, दिखता एक कदम है। अल्टीमेटली मोदी हमारी यूनियन के नेता हैं और पूरी यूनियन इस तरह दिखती है कि सब अच्छी परेड हो रही क्या है। क्या मनीष जी इंदिरा गांधी को जिस बातों को लेकर आलोचना की जाती थी, उनको कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के कारण कांग्रेस को कोसा जाता था, क्या आज इस तरह का जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है?
नहीं, राष्ट्रवादी विचारधारा तो है, और ये आपने देखा कि कांग्रेस आज तक नहीं बता पाई है कि वो कम्युनिस्ट विचार है उनका, या उनका पूंजीवादी विचार है, या मिश्रित विचार है, कौन सा नहीं, आप विचार, आपके किस तरह के विचार है वो बताइए ना, आप भी अपने विचार बताइए किस तरह के विचार है आपके, कोई विचारधारा है क्या आपकी? बेसिकली मोदी सरकार है, मोदी विचारधारा मोदी सरकार है, कहा सिद्धांतों के इतिहास की बातें करिए, कुछ कुछ तो कहा है अमित शाह ने, लेकिन सवाल किए कि इन सब के बीच में आम जनता के विकास के मुद्दे कितने मायने रखते हैं? मैंने कहा शाजिया विकास की बात तो हम कर ही रहे हैं, साथ विकास इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, पांच साल में किस तरह के विकास किए हैं वो जनता देख रही है, जनता ने इनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है, किस तरह के विकास, विकास की बात करते हैं, आज आज के सम्मेलन की आप बात करिए, आपने जितनी भी क्लिपिंग दिखाई है विकास शब्द एक बार नहीं बोला, अभी भी जो मोदी जी का सपना है वो पूरा आयुष्मान भारत पे काम कर रहे हैं, जो 12 रुपए में आप मनीष, और कितना काम होगा, 5 साल का वक्त पूरा होने वाला है, महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी भी काम चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, अब कब तक और चलता रहेगा? रेगुलर प्रोसेस है ये, इसीलिए शाजिया लगता है कि ये जीवंत है विकास, ये कोई स्टैचू थोड़ी है आज कंप्लीट हो जाएगी, विकास पता नहीं इन्होंने किस चीज का नाम रखा है, शाजिया मुझे राजेंद्र जी से पूछना है, एक्चुअली राजेंद्र जी बात ये बार बार कही जा रही है कि इस बार का चुनाव मोदी वर्सेस अदर्स होगा, क्या लगता है आपको, क्योंकि जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि मोदी वर्सेस अदर्स होगा, क्या जो सिचुएशन है, जो जो हालात हैं देश के राजनीतिक हालात, उसमें क्या लग रहा है कि मोदी वर्सेस अदर्स होने जा रहा है ये चुनाव? बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस चुनाव की जो रूपरेखा है या स्वरूप है वो इस तरह से लाया जाए कि मोदी वर्सेस अदर्स, सारे दल उसके खिलाफ हैं और उनकी एक इमेज और उनकी छवि जो है, एक ईमानदारी की छवि, एक काम करने वाले व्यक्ति की छवि और उन एक विकास पुरुष की जो छवि है, जो गुजरात का उनके पास बैकग्राउंड है, उसको लेकर के वो चाहते हैं कि, और अब तक का जो पूरा राजनीतिक दृष्टि से उनकी कार्यशैली रही है एक ताकतवर मजबूत नेता की, वो उसके कारण ही दिखाना चाहते हैं कि इस तरह का कोई नेता किसी पार्टी में नहीं है, और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक स्थिति है, इसलिए वो इस चीज का अधिक से अधिक प्रचार करेंगे, उनके साथ सहयोगी दल हैं, इसके बावजूद भी वो चाहेंगे कि मोदी वर्सेस अदर्स, क्योंकि इससे बीजेपी को लाभ मिल रहा है। कांग्रेस के पास स्थिति ये है कि उनका जो अभी नेता है वो उतना परिपक्व नहीं हो पाया है जितना कि मोदी है। कैसे परिपक्व नहीं है? एक मिनट, आपसे नहीं पूछा गया, प्लीज आप बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा, पिछली बार भी आप बोल रहे थे, जबकि आपने शिवसेना का नाम लिया था, आपने, मैंने कहा कर्नाटक का नाम, मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे कि कर्नाटक में जब आप बात करते हैं कि जेडीसी कितना भी कुछ कर रही हो हमारे साथ है, तो शिवसेना भी उनके साथ कितना भी कुछ कर रही है वो उनके साथ है, तो कृपया आप पूरी बात सुन लीजिए। बात सवाल यह था कि भारतीय जनता पार्टी की लाभदायक स्थिति इसी में है कि वो इस चुनाव को इस तरह से परिपेक्ष में लाए कि मोदी वर्सेस अदर, क्योंकि अपोजिशन में कोई इस तरह का नेता नहीं है, जो व्यक्ति उभर के आ सकते हैं ममता बनर्जी है, जिसको लेकिन उसके पास उतना पीछे बैकग्राउंड नहीं है, कोई दल नहीं है, निश्चित रूप से कांग्रेस के पास में चाहे छोटा ही सही लेकिन हर स्टेट में पॉकेट है, कहीं उसके खुद का मजबूत आधार है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, लेकिन कुछ जगह छोटा आधार है, लेकिन उसके बाद पॉकेट है, और इसलिए कांग्रेस ये चाहती है कि हमारे नेता को आज नहीं तो कल तुमको मानना पड़ेगा। बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, ममता बनर्जी है, चाहे उड़ीसा का है, चाहे चंद्रबाबू नायडू है, चाहे एसपी है, चाहे बीएसपी है, ये क्षेत्रीय दल है, तो उस बात का लाभ बीजेपी कांग्रेस लेना चाहती है, और इसलिए वो चाहती है कि आज नहीं तो कल तुम हमारे नेता को मानोगे। मनीष जी, एक राज्य से जुड़ा हुआ सवाल, पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, हार के बाद किसी भी नेता ने, नेतृत्व ने जिम्मेदारी लेना नहीं स्वीकार किया, लेकिन कल अचानक वसुंधरा राजे को यहां से हटाकर, राजस्थान की राजनीति से हटाकर केंद्र में उपाध्यक्ष बना दिया गया, क्या ये लगता है कि पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको चुनावी हार के कारण राजस्थान की राजनीति से हटा दिया, अब ये जो गाज है अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी पे भी गिरने वाली है, क्या ऐसी जो चर्चा है इसमें कोई, कि पार्टी मानती है कि जो राज्य के नेतृत्व के कारण चुनाव हारे, क्या आपको लगता है? नहीं प्रताप जी, सामूहिक नेतृत्व में जहाँ कोर कमेटी सब फैसले करती है, वहाँ पे वसुंधरा जी हमारी लीडर हैं, अनडाउटेबली लीडर हैं, और ये पक्की बात है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर तीन नए उपाध्यक्ष लगे, उतने स्ट्रॉन्ग बीजेपी, आप देखेंगे तीनों हारे, इसलिए स्टेट में वाले जाके उनको स्ट्रॉन्ग बनाने वाले मुख्यमंत्री, किस तरह की थ्योरी है ये, और आप देखिए इनके इतने बड़े नेता गडकरी जी ने जो बोला है उस पे भी ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा था कि जीते तो शाबाशी कैप्टन को, तो हारे तो हार का ठीकरा भी कैप्टन पे फूटना चाहिए, अब ये ठीकरा स्टेट लेवल के लीडर जो है उन पे फोड़ना चाहते हैं, मोदी जी को बचाने की कोशिश है, लेकिन जनता देख रही है
कि मोदी जी ही जिम्मेदार है, जब जीत के जिम्मेदार मोदी जी थे तो हार के जिम्मेदार भी मोदी जी है, और मोदी जी के कर्मों की वजह से ही हार हुई है। ये स्टेट के लीडर्स को सिर्फ शिकार बनाएंगे और उसमें आज का जो मुहिम है वो उसी में शामिल है। ब्लॉक नेताओं को प्रदेश का से हटा के केंद्र ले जा रहे। राजेंद्र जी मनीष जी तो साफ साफ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो पार्टी के नेता हैं। क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे को वापस राजस्थान राज्य की राजनीति से केंद्र की राजनीति में बुलाना, उनको एक प्रकार से चुनावी हार के कारण उनको इस तरह का जो निर्णय किया गया है? दो सवाल है। पहली बात तो ये कि जो मनीष जी और विक्रम जी कह रहे थे, निश्चित रूप से अगर जीत होती है तो सेना अपना जो मुखिया है चाहे मोदी जी होते हैं चाहे राहुल जी, उसको श्रेय दिया जाएगा, और हार होती है तो निश्चित रूप से छत्रपों पे होती है। अब आपका जो सवाल है, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आला कमान ये चाहता था कि तीन जो बड़े नेता अपने आप को मान रहे हैं इनका परीक्षण हो जाए, इनकी कितना जनाधार है, इनकी कितनी अपनी जनता में पैठ है, इसका परीक्षण हो जाए। अभी जैसे दो दिन पहले ही जो सवर्ण कार्ड खेला गया है बीजेपी ने, वो चाहती तो मुझे लगता है, शायद मेरे मानना है कि वो पिछले चुनाव मतलब इस चुनाव से पहले भी खेल सकती थी, लेकिन लगता है आला कमान इनकी नेताओं की जानना चाहता था और इनको आईना दिखाना चाहता था, इनकी कितनी गहराई और इनका आईना दिखाना चाहता था, और अब उन्होंने आईना दिखा दिया, 100 पीस बना करके दिल्ली में बैठा दिया इनको। और सही माने में चाहे कुछ भी कहें भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन राजस्थान में जो स्थिति थी उसमें छत्रप को लेकर के, मुखिया को लेकर के, उससे लोगों की ज्यादा नाराजगी थी। और ये जो थोड़ा सा ही वोटों का अंतर है, मतलब आधा जिसके कारण बीजेपी को यहाँ से हारना पड़ा, वो उसकी वजह मुखिया है जी। और एक फाइनल कमेंट में कांग्रेस के नेता विक्रम सिंह जी से लेना चाहूंगी, गठबंधन को लेकर के जिस तरीके से पीएम मोदी ने खुद बड़ी बात कह दी है, ढकोसला करार दे दिया गया है, तो अंत में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे फाइनल कमेंट? पीएम ने नहीं, ये जो आपने शब्द काम में लिया, ये अमित शाह जी ने बोला है, हाँ। वो उनका अंदर से फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, इस तरह से दूसरे को ढकोसला बताने से ये हो नहीं जाता है। जनतंत्र में इस तरह के गठबंधन होते आए हैं, पहले भी होते हैं, और भाजपा आज भी गठबंधन में बंधी है, पहले अपना गठबंधन छोड़ के फिर दूसरों के गठबंधन को ढकोसला बताएंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, हार की डर जो है वो ये कहलवा रहा है साजय जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे खास कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि देखा आपने किस तरीके से बहस तो हुई, सवाल भी हुए, आज बैठक भी हुई, वो भी आपने सुना किस तरीके से अमित शाह ने वहां पर क्या कुछ कहा। इसके अलावा आपको बता दें कि कल का दिन भी बेहद खास रहने वाला है, लेकिन सवाल किए कि क्या वाकई गठबंधन नहीं होने वाला है या फिर होने वाला है, सवाल जस का तस बना हुआ है। सिचुएशन वाकई दिलचस्प बनी हुई है, देखना यह होगा कि आखिर 2019 में ऊंट किस करवट बैठता है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में बस इतना कि आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।